वेलकम बैक. मेरी खुशी, मेरी नहीं, मेरे फेस की स्माइल पे मत जाना. ये जैसे कहते हैं ना कि मुंह पर आपको स्माइल दिख रही है पर अंदर से दिल रो रहा है, समझ गए? ये देखे फोटो सामने है उसे लोग समझ ही गए होंगे कि भैया डीसी वर्सेस एसआरएच, एसआरएच का दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट. फिर क्या है, पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर बना दिए रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स. गई डीसी, चलो. मैं तो कमेंट्स भी पढ़ रही थी, मेरे को इतना दुख हो रहा था जब आप लोगों ने लिखा कि आज दिल्ली की धुलाई हो रही है या होगी, आज रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे जो पहले कभी नहीं बनाए क्योंकि दिल्ली इतना गंदा खेलेगी. तो कहा था वो अपने नेचुरल स्टेट में आएंगे. आ गए, मेरे को होप थी यार, दो जीत के बाद मुझे था शायद कुछ हो जाए. कमजोर टीम है बस, क्या करें. ढंग से उन्होंने जो है बिडिंग करके लोग लेके नहीं आए, दैट्स हाउ इट्स गोना बी. चलो देखते हैं, चलो आप भी देख लो. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. ये कहते हैं जब आंधी तूफान हद से आगे बढ़ जाता है तो ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में बिना मौसम खराब हुए ऑरेंज अलर्ट आया था और ये ऑरेंज अलर्ट था एसआरएच की मार का. लेकिन फिर कुलदीप ने चार विकेट निकाले, मैच फंसा, लेकिन उसके बावजूद 266 दिख रहे हैं जो शायद कई लोगों कम लग रहे हैं, लेकिन ये कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एसआरएच ने पैमाना बड़ा कर दिया. आरसीबी के सामने 287 रन, एमआई के सामने 277 एंड अब डीसी के सामने 266. सनराइजर्स हैदराबाद वो पहली टीम बन गई है आईपीएल में जिसने तीन बार एक सीजन में 250 प्लस का स्कोर बनाया है और इकलौती टीम है जिसने तीन बार ये कारनामा किया. सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल में लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड अलर्ट सीजन है क्योंकि हाइएस्ट टोटल का रिकॉर्ड एसआरएच, सेकेंड हाइएस्ट टोटल एसआरएच, बेस्ट पावर प्ले स्कोर एसआरएच, फास्टेस्ट 100 एसआरएच, फास्टेस्ट 150 रन एसआरएच, दिल्ली का बताओ ना, फास्टेस्ट 200 रन एसआरएच, लोएस्ट बताओ, लोएस्ट दिल्ली, तीन बार 250 प्लस एक सीजन में एसआरएच. ये सारे रिकॉर्ड जो है ये इस आईपीएल ने बने हैं, पैट कमिंस की कप्तानी बने हैं और ये सिंपली अनबिलीवेबल है. मतलब ये रिकॉर्ड आप यकीन नहीं कर सकते हैं. पावर प्ले का भी रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया गया, एक ओवर पावर प्ले में 125 रन बने जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है. केकेआर का रिकॉर्ड टूटा आरसीबी के सामने 105 का. क्या कहा जाए, मतलब यार रनों की ऐसी बारिश और ऐसा अलर्ट कभी देखा नहीं था. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने क्या मार मारी है. पहला ओवर 19 डीसी को थैंक यू बोलो, चौथा ओवर 21 रन, पांचवा ओवर 20 रन, छठा ओवर 22 रन, मतलब 125 रन यार, ये अनबिलीवेबल है पावर प्ले के हिसाब से. अगर इस हिसाब से रन बनते तो शायद 300 350 कहीं नहीं गए थे. वो तो विकेट गिर गई इस वजह से ये 260 प्लस का स्कोर कम लग रहा है, वरना 266 बहुत रन होते हैं. आप आंख बूंद कह सकते हैं डीसी ने कितने बनाए, लेकिन क्योंकि 6 ओवर में 125 का बेंचमार्क बहुत ज्यादा बड़ा होता है. फास्टेस्ट टीम 100 अगर आईपीएल की बात करेंगे तो एसआरएच ने 5 ओवर में करके दिखा दिया जो एक जमाने में सीएसके ने या केकेआर ने 6 ओवर में करके दिखाया था. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इसके लिए जिम्मेदार हैं. ट्रेविस हेड इस सीजन में अलग लेवल पे खेल रहे हैं और सेकेंड मोस्ट रन स्कोरर प्लेयर हो गए हैं, 324 रन बनाए हैं. एवरेज जो है वो 54 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो गजब का है यार, 216 का स्ट्राइक रेट. आई मीन दैट्स सिंपली अनबिलीवेबल. बेस्ट स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड, जॉइंट फास्टेस्ट 54 एसआरएच ट्रेविस हेड, सेकेंड मोस्ट रन इन पावर प्ले ट्रेविस हेड, फास्टेस्ट 100 फॉर एसआरएच ट्रेविस हेड, 350 इनसाइड पावर प्ले इन दिस आईपीएल ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड की सारी पारियां उन्हें अनरियल बनाती है. एक जमाने में चलता था ना कि रिकी पोंटिंग का बल्ला चेक करो, अब कहा जा रहा है भाई ट्रेविस हेड का बल्ला चेक करो. 324 रन, मतलब 54 का एवरेज, 216 स्ट्राइक रेट, कमाल है. ऐसे ही कमाल अभिषेक भी कर, 257 रन बनाए उन्होंने 36 के एवरेज से और 215 का स्ट्राइक रेट, और दोनों ने मिलाकर 581 रन बनाए हैं 215 के स्ट्राइक रेट से. यानी दोनों प्लेयर जो है वो अनबिलीवेबल. दिल्ली ने क्या किया, कोई तोड़ नहीं है और कोई भी टीम का कोई भी ओपनर ये रिकॉर्ड तोड़े तो माने दम यार. 581 रन 215 के स्ट्राइक रेट से दोनों ओपनर के. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेंजरस ओपनिंग पेयर आईपीएल 2024 में, कोई नहीं है दूर दूर तक.
23 साल के अभिषेक शर्मा इस सीजन में कमाल कर रहे हैं, 7 मैच में 257 रन, 36 का एवरेज, 215 का स्ट्राइक रेट। बड़ी बात यह है कि 24 छक्के मारे हैं और 18 चौके मारे हैं, और आप कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बहुत सेफ है। ऐसे ही ट्रेविस हेड की आप बात करेंगे तो 24 पर 62, 14 पर 19, 24 पर 31, 15 पर 21, 41 पर 102 और अब 32 पर 89। आई मीन दैट्स इनसेन, ट्रेविस हेड इज क्रेजी और ही इज अनमैचेबल, कोई मैच नहीं उनका। अभिषेक शर्मा इस आईपीएल में कमाल रहे हैं, 19 पर 32, 23 पर 63, 20 पर 29, 12 पर 46। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते वो रह गए, बिल्कुल इतने खरीद थे, और अगर वो चौका लग जाता जिस पर आउट हुए वो, तो शायद यशस्वी जायसवाल का 13 बॉल पे 50 का रिकॉर्ड जो है वो भी टूट जाता, युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी हो जाती। लेकिन एसआरएच ने इतिहास रचने की मान लो कसम खा ली है। एसआरएच रजिस्टर्ड देयर हाईएस्ट, दिल्ली ने भी रिकॉर्ड तोड़ने की कसम खाई विन हारने की, के बाद सर्वाधिक रन, और जिस वक्त ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे उस वक्त स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड स्कोर जो था वो 348 था। I mean that was insane. SRH ने 125 रन पावर प्ले बनाए, जो सेकेंड हाईएस्ट पावर प्ले है T20 के टोटल के हिसाब से, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। दिल्ली ने कितना बनाया? 22 छक्के मारे थे, यहाँ पर भी इन्होंने 22 छक्के मारे, और सबसे छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम इन्होंने कर लिया। बैटिंग मतलब कुल मिलाकर ये टीम दिल्ली ने कुछ किया ही नहीं है, इस तरह से जो आरसीबी छोड़ देता है वो धुनाई करता है। शहबाज अहमद दिल्ली के क्यों कर रहे हो, 67 रन बनाए आरसीबी के कारण, 32 बॉलों पर 89 बनाए, और अभिषेक शर्मा ने 12 बॉल पर 46 बनाए, और यही वजह है कि एसआरएच तीसरी बार 250 के पार गया, 266 रन बना गया। हालांकि सारे रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं, अभी भी इस आईपीएल में वो रिकॉर्ड नहीं टूटा जो क्रिस गेल ने बनाया था, फास्टेस्ट 100 का 30 बॉलों पर, कोई नहीं दिल्ली के साथ नेक्स्ट टाइम जो खेलेगा वो कर लेगा। तो ये दो रिकॉर्ड बड़े बचे हैं, और 200 का रिकॉर्ड भी नहीं टूटा जो आरसीबी ने बनाया था, तो ये तीन रिकॉर्ड अभी भी सारे टूटने बाकी हैं। इस मैच में दिल्ली के लिए सिर्फ कुलदीप और अक्षर थोड़ा बहुत बचाने वाले थे। कुलदीप ने आज बड़े विकेट निकाले, ट्रेविस हेड का विकेट, अभिषेक शर्मा का विकेट, माकरम का विकेट और नीतीश रेड्डी का विकेट, 4 ओवर 55 विकेट। आई थिंक ये 55 से ज्यादा, वो 4 विकेट अगर ना लिए होते तो 300 हो जाता, कहीं नहीं गया। वही तो, अक्षर पटेल तूफान के बाद आए थे इस वजह से थोड़े से बच गए, लेकिन क्या कमाल का बॉलिंग फिगर, 4 ओवर 29 रन, एसआरएच 15 ओवर में 205 था। लेकिन कुलदीप और अक्षर पटेल जो है इनकी गेंदबाजी की वजह से वो धीरे 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 थोड़ा कम हो गए और मामला जो है थोड़ा सेटल हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी कि एसआरएच इस साल खेलने नहीं आई है, इस साल सामने वाली टीम को जलील करने आई है, मतलब दिखाने आई है कि T20 क्रिकेट में टेम्पो होता क्या। एसआरएच और चेन्नई हो चुका है, कागज से परफॉर्म करती थी, इस साल जमीन पर उतरकर सारी टीमों के सामने अपना डोमिनेंस दिखा रही है और सारी टीमों में खौफ पैदा कर रही, क्रिकेट होता कैसे, और कलकत्ता के साथ भी हो गया क्या, इनसेन क्रिकेट यार, हैट्स ऑफ एसआरएच के दिल्ली में जो ये रिकॉर्ड एलर्ट ऑरेंज आ गया। यार पता है ज्यादा दुख क्या होता है कि दिल्ली में ही खेल रहे होते हैं और दिल्ली में ही हारते हैं, ज्यादा दुखी हो रहा है कि पता नहीं चला कि दिल्ली ने कितने बनाए कितने रन, ये तो पता नहीं चल रहा है। रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, ट्रेविस हेड आया, उसने ये रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्ड किया, एक रिकॉर्ड, अरे दिल्ली ने कितना बनाया ये पता नहीं चला, वो नहीं पता चला वो कितने बनाने बना पाए भी, वो तो हमें बता दो कि ठीक है अपने नेचुरल सेट में जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे वापस जा रहे हैं, बाय चांस लक खुली थी, विल सी, अगर टीम अच्छी नहीं है तो क्या यार, ऐसी कितनी गंदी टीम कोई बना कैसे सकता, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। जो जो कंपनी जोन करते हैं डीसी को, उनको देखना पड़ेगा, इतना नहीं पता है कि कौन से प्लेयर्स को ले कौन से को ना ले, बेच देना चाहिए कि सिंगल बंदे को, इतना गंद मार किया है कि इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल, हद ही हो गई यार, दिल्ली का नाक काट दिया है, एक थोड़ा सा बचा था वो भी काट दिया, अब सबसे सबसे नीचे जाना है क्या इन लोगों, दिल्ली वालों को कोई ऐसा चाहिए बिलियनेयर जो उन पे पैशनेट हो, उनको खरीद ले, वो देखो अंबानी टाइप, पर अंबानी का भी बंदा चाहिए, दिल्ली का जो कई इंडियंस का भी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है इस बारी, मतलब अकेला ऐसा ना हो कि कंपनियों के थ्रू आ रहे हैं, अकेला बंदा को ले पाने, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ, और खासकर दिल्ली के अंदर ही खेल रहे हैं, जितनी गेमें के बारे में सुनते हैं वो दिल्ली के अंदर ही होती हैं, दिल्ली के लोग क्या देखने जाएंगे जब उनको पता ही है यार कि दिल्ली ने हारना ही है, सभी को पता चल गया, समझ आ गया दिल्ली ने हारना, मतलब कोई जाता ही नहीं होगा दिल्ली के गेम देखने, हारने के लिए देखने जाएगा कोई दिल्ली को, यार बताओ
तो चलो यार बताना दिल्ली ने बनाए कितने रन थे यार। चलो चलते हैं, दुख को दुख दुख अभी थोड़ा टाइम तक उसी ने बता रहे कि बहुत कम बनाया, इतना कम बनाया है कि इसलिए बुरा ना लगे हमें। शायद उन्हें पता होगा कि हम देखते हैं तो हमें बुरा लगेगा, वो कहते होंगे इतनी चलो कोई बात नहीं, वो एक लेवल नीचे गए होंगे, वो सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे भैया ये दिल्ली से इतने दूर है इनका क्यों दिल तोड़ना ये बताकर नहीं वो पहले से तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।